Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 7 Mathematics Perimeter and Area Episode 3. Students, our next topic is circles. अब इस सर्कल्स क्या होता है? एक ऐसा फिगर जो हर तरफ से राउंड में हो, राउंड शेप में हो, कर्व बाउंड्री के साथ हो, यानी ऐसा फिगर जिसमें कोई भी एजेस ना हो, ऐसे फिगर को हम सर्कल कह सकते हैं, ठीक है? अब सर्कल के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे इसके मिड पार्ट को बोलते हैं सेंटर, मिड पार्ट से लेके बाउंड्री तक जाने वाली किसी भी लाइन को बोलते हैं रेडियस, यानी इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रेडियस, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई लाइन सर्कल के मिड से होते हुए सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक चली जाए तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है डायमीटर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और चीज होती है, जैसे हम सर्कल के चारों तरफ अगर हम इसके बाउंड्री पे चलते रहे, यानी जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा, जैसे हमने स्क्वायर में देखा, जो हमारे पेरिमीटर्स होते हैं, वैसे ही अगर इसकी बाउंड्री पर अगर हम चले तो इसकी बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, इसको शॉर्टकट में सी लिख लेंगे, ओके? तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सर्कल के पार्ट हो गए हैं। इसके अलावा एक और पार्ट होता है जो इसका एरिया होता है, मिड के रीजन को, इसके मिड के रीजन को हम क्या बोलेंगे? इसका एरिया बोलेंगे। मिड रीजन जो है वो एरिया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक सर्कल ले लेते हैं और इस सर्कल का मिड पॉइंट से एक साइड तक जाने वाली, कॉर्नर तक जाने वाली लाइन यानी रेडियस आर, इस सर्कल के मिड पॉइंट को हम ओ पॉइंट नेम ले लेते हैं ओ, और इसका एक साइड ले लेते हैं ए पॉइंट, और अगर इसको हम इस साइड तक मिला दें तो ये वाला पॉइंट बी पॉइंट हो जाएगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि ये पूरी दूरी जो ए से लेकर बी तक की दूरी, ये हमारे डायमीटर के बराबर है, और ओ ए जो कि इक्वल होगा ओ बी के साथ, और ये हमारी क्या है? रेडियस। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये पूरी दूरी जो है डायमीटर है, और ये हाफ दूरी जो है वो क्या है? रेडियस है। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डायमीटर के है, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को हम लिख सकते हैं बी ओ प्लस, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी ओ प्लस ओ ए, यानी बी ओ और ओ ए हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा डायमीटर के बराबर। इसको और ज्यादा अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो बी ओ जो दूरी होगी बी से ओ तक की, ये भी रेडियस होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं आर, प्लस ओ ए दूरी को भी आर लिख सकते हैं। यहां से हमें पता चलेगा ये है जो डी के बराबर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा टू आर इज इक्वल टू डी। यानी हम ये कह सकते हैं सिंपली कि यहां से डायमीटर हमारा वो है 2 इंटू आर के बराबर होगा, यानी रेडियस का डबल कर देने से हमें डायमीटर मिल जाएगा। तो ये एक हमें फॉर्मूला मिल गया। कभी अगर हमें रेडियस और डायमीटर में कोई एक चीज दी होगी और दूसरी निकालनी होगी तो हम इस सिंपल से फॉर्मूला का यूज करके वो निकाल लेंगे, ओके? नाउ स्टूडेंट्स, हमने इस सर्कल में देखा रेडियस, हमने इस सर्कल में देखा डायमीटर, और हमने इस सर्कल में देखा सर्कमफ्रेंस। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें एक चीज और निकालें जो कि है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो ये हमेशा हो जाता है पाई के बराबर। इस सिंबल को हम बोलते हैं पाई, इसको आप ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो पाई, ठीक है? ये पाई जो होता है वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, ठीक है? पाई की वैल्यू हम 22/7 या फिर कहीं कहीं पे और 3.14 यूज करते हैं, ये होती है पाई की वैल्यू, ठीक है? तो ये पाई की वैल्यू है। जब भी कभी क्वेश्चन में पाई के बारे में पूछेगा तो हम उसकी वैल्यू ये रख देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इसको हम ठीक से देखें तो ये लिखा हुआ है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस का रेशियो डायमीटर के साथ, जो कि क्या है? पाई है, ठीक है? अब हम सी और सी टू डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी बाई डी, यानी सर्कमफ्रेंस का रेशियो डायमीटर के साथ पाई के इक्वल्स है। अगर हम इससे सर्कमफ्रेंस निकालें तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी, यानी कि ये हो जाएगा पाई के साथ डी का मल्टीप्लाई। इसको और ज्यादा अगर हम सॉल्व करें तो ये हम इसको कह सकते हैं पाई, और अगर डी की वैल्यू हमने अभी देखा था कि डायमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 2 इंटू रेडियस के बराबर होता है। अगर इससे हम डी की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू 2 आर के। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हमें फाइनली सर्कमफ्रेंस मिल गया 2 पाई आर।
यानी कि ये क्या है, ये किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। यानी आप जब कभी हमें क्वेश्चन में सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने के लिए कहेगा तो हम सिंपली निकालेंगे 2πr, तो यही फॉर्मूला हमारा हर जगह यूज होगा। ओके नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, इसको समझने के लिए स्टूडेंट हमें इस फिगर को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया है और इस सर्कल के मैंने 8 पार्ट्स बना लिए हैं, 8 इक्वल पार्ट्स हैं। अगर आप इसको काउंट करो तो इट बिकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस सर्कल के मैंने 8 पार्ट्स बना लिए हैं। अब इन 8 पार्ट्स को मैंने 1 by 1 अलग अलग करके रख दिया है, एक के साथ एक मिला के। अगर मैंने इसका वन पार्ट ऐसे निकाला और यहाँ पे ऐसे रख दिया, यानी ये हो गया हमारा वन पार्ट। सेकेंड पार्ट मैंने निकाला और ऐसे करके उल्टा इसमें लगा दिया, ये हो गया सेकेंड पार्ट। यानी ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट निकाला ऐसे लगा दिया तो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट निकाला ऐसे लगा दिया तो ये फोर्थ पार्ट। ऐसे ही करके हमने 5, 6, 7 एंड 8 पार्ट इसके लगा दिए। अब इस सर्कल के सारे पार्ट्स को हमने 1 by 1 करके इसमें अरेंज कर दिया। अब आप इसको अगर ध्यान से देखो, अब टोटल सर्कमफ्रेंस में अगर आप देखो तो ये 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट में कितनी होगी सर्कमफ्रेंस, तो यानी यहां से यहां तक के लिए 4 पार्ट के लिए हो जाएगी ये 1 by 2, और सर्कमफ्रेंस का हाफ हो जाएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं सिंपली c/2 हो जाएगा, यानी सर्कमफ्रेंस का हाफ हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें, देखो ये 1 part, 2 part, 3 part and 4 part हमारे पास है। यानी हम कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक की जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी c/2, यानी सर्कमफ्रेंस का हाफ हो जाएगी। ओके और सेम इसके लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये 1, 2, 3, 4 पार्ट ऊपर भी है, तो हम इसके लिए भी कह सकते हैं कि यहां से लेके हमारी यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी c/2। ठीक है, अब दूसरी चीज जो इसके यहाँ पे कॉर्नर पे, ये देखो ये लाइन है, इसको आप ध्यान से देखो, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये कितना होगा, तो ये कितनी है, ये तो रेडियस के बराबर है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रेडियस के बराबर, यानी इसको हम आर कह सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि इसकी एक साइड c/2 के बराबर है, जो इसकी लेंथ जैसी दिख रही है, और एक इसकी ब्रेथ जैसी है जो हमारी आर यानी कि रेडियस के बराबर है। स्टूडेंट अभी हमने इस सर्कल के सिर्फ 8 पार्ट किए हैं तब ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसके बहुत ज्यादा पार्ट कर लें, सपोज इसके हम 50 पार्ट कर लें या 1000 पार्ट कर लें, तब क्या होगा, तब आप देखोगे कि ये जो लाइन में थोड़ा थोड़ा सा कर्व हमें दिख रहा है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसके बहुत ज्यादा पार्ट कर लोगे तो ये जो कर्व है ना, बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और एक चीज और आप देखोगे, जैसे जैसे इसका पार्ट छोटा होगा ना, उसकी ये वाली जो आप देख रहे हो साइड में जितना बेंड है, यानी अभी ये पार्ट कुछ ऐसा है, लेकिन अगर मैं इसको और छोटा कर दूं और यहां से काट दूं, तब आप क्या देखोगे कि ये थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, यानी फिर ये और सीधा हो जाएगा, और छोटा कर दूं और सीधा हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको यहां से और यहां से काट दूं तो ये लगभग हमारा ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ज्यादा इसको छोटा करने पर और सीधा हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दें तो ये हमारा लगभग एकदम सीधा दिखने लग जाएगा ऐसा। तो यानी ये वाली लाइन को भी हम एक तरीके से सीधे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा पार्ट्स होंगे, ऐसी कंडीशन पे हम इस फिगर को एज अ रेक्टेंगल देख सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखो इसकी ये हो जाएगी एक हमारी लेंथ और ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ, तो यानी ये फिगर हम एज अ रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब हम इस फिगर को एज अ रेक्टेंगल कंसीडर कर लेंगे और फिर आपको बोलेगा कोई इसका एरिया निकालो, तो यानी इसका जो हम एरिया निकालेंगे वो इसी सर्कल का तो एरिया होगा। तो यानी यहां से हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल, ये जो हमारा नीचे दिया हुआ है, इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। अब रेक्टेंगल में हमें क्या क्या पता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सिंपली रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इस केस में हमारे पास लेंथ क्या है, इस केस में हमारे पास लेंथ है c/2। ठीक है, और हमारे पास ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इस केस में हमारे पास है r, यानी अभी हमने यहां पर डिनोट किया था, ये क्या है r, यानी ब्रेथ हमारे पास है r, यानी इसको हम लिख सकते हैं r हो जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा 1/2 into c into r।
अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी अभी डिस्कवर किया था, तो सर्कमफ्रेंस क्या था, सर्कमफ्रेंस सी बराबर था 2 पाई आर के बराबर, उससे हम सर्कमफ्रेंस की वैल्यू अगर रख दें तो इट बिकम्स 1 बाय 2 इनटू सी की वैल्यू थी 2 पाई आर, 2 इनटू पाई इनटू आर, और ये वाला आर हमारा एज इट इज आ जाएगा जैसा ये है। नाउ यहां से स्टूडेंट देख सकते हैं 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स पाई और ये r into r हो जाएगा r square, यानी हम सिंपली कह सकते हैं सर्कल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा पाई r square। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया सर्कल के एरिया का, यानी कि सर्कल का एरिया अभी हमसे कभी कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे सिंपली पाई r square। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। You can also follow us in Facebook and Twitter. Links are given in the description below. Thank you. Jai Hind.